जाए। रेशम से बने वस्त्रों को पहनना कौन पसंद नहीं करता। रेशम की चमक और इसका मुलायम स्पर्श इसे सबकी पसंद बनाता है। भारत की रेशमी साड़ियां विश्व प्रसिद्ध हैं। भारत में रेशम को शुभ माना जाता है और यह त्योहारों और उत्सवों से संबंधित है, चाहे ये दिवाली, दशहरा या दुर्गा पूजा हो या फिर सगाई, विवाह या परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन। रेशम उस अवसर की शोभा बढ़ा देता है। इस पाठ में हम रेशम की विशेषताओं और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि रेशम के कीट से रेशम किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ये समझाना कि रेशम क्या है, रेशम का इतिहास जानना, रेशम की विशेषताएं बताना, रेशम के कीट का जीवन चक्र समझाना, कोकूनों से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करना। रेशम। रेशम उम्दा, मजबूत बनावट और चमक वाला एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। रेशम की चमक इसकी त्रियामी प्रिज्मनुमा संरचना का परिणाम होती है। रेशम का उत्पादन कई कीटों जैसे रेशम के कीट, मधुमक्खी, ततैया द्वारा होता है और चींटियां इसका प्रयोग अपना घोंसला बनाने में करती हैं। मकड़ी भी रेशम का उत्पादन करती है, लेकिन रेशम के कीट द्वारा बनाए गए रेशम के संवर्धन से रेशम के वस्त्र बनते हैं। रेशम का इतिहास। रेशम की खोज करीब 3500 साल पहले सर्वप्रथम चीन में एक चीनी महारानी ने की थी। भारत में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में रेशम का प्रयोग होता था। आज भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसका बड़ा भाग कर्नाटक में उत्पादित होता है। भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। धरमवरम रेशम, कांजीवरम रेशम, मैसूर रेशम, बनारस रेशम, मुर्शिदाबाद रेशम इत्यादि भारत के कुछ प्रसिद्ध रेशम हैं। रेशम की विशेषताएं। रेशम मजबूत और लचीला होता है। रेशम स्पर्श में मुलायम होता है लेकिन फिसलन भरा नहीं होता। रेशम में चमक दमक होती है। ये हाइपो एलर्जिक होता है। इसका अर्थ हुआ कि यह मनुष्यों में कम एलर्जी पैदा करता है। रेशम नमी को सोख लेता है। रेशम गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म रहता है। इसका रख रखाव आसान होता है। रेशम के प्रकार। टसर रेशम, मूंगा रेशम और कोसा रेशम रेशम के विभिन्न प्रकार हैं। ये रेशम विभिन्न कीटों द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त होते हैं। शहतूत रेशम रेशम की सभी श्रेणियों में सबसे प्रसिद्ध है और इसका उत्पादन शहतूत रेशम कीट से होता है जो शहतूत के पेड़ पर पलते हैं। इन कीटों का पालन घर के अंदर होता है और इन्हें पूर्णतः पालतू बना लिया जाता है। ज्यादातर व्यवसायिक रेशम शहतूत रेशम होता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त रेशम मुलायम, चमकदार और लचीला होता है और इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। एक रेशमी कीट का जीवन अति सूक्ष्म अंडे देने से शुरू हो जाता है और एक सुंदर कीट के निकलने के साथ समाप्त होता है। आइए रेशम कीट के जीवन के विभिन्न चरणों को देखें। मादा रेशम कीट गर्मियों के अंत में छोटे अति सूक्ष्म अंडे देती है। बसंत तक वे सुप्त रहते हैं। बसंत आते ही इन अंडों से छोटे काले लार्वा निकलने लगते हैं। ये लार्वा शहतूत के पत्ते खाकर जीवित रहते हैं और बड़े होते जाते हैं। इसके बाद वे अपने चारों तरफ रेशम का एक सुरक्षात्मक कोकून काटते हैं। ये कोकून
सफेद और सुनहले रंग के होते हैं। कोकून के भीतर लार्वा प्यूपा में परिवर्तित होता है। लार्वा प्यूपा में परिवर्तित होते हुए कुछ भी नहीं खाता। दो या तीन हफ्ते बाद कोकून से सुंदर रेशम कीट बाहर निकलता है। कोकून से रेशम। रेशम को कोकून से संसाधित किया जाता है। एक बार रेशम कीट अपने चारों तरफ सुरक्षात्मक कोकून काट लेता है, फिर इन कोकूनों को रेशम के फाइबर को कीट से अलग करने के लिए गर्म पानी में उबाल लिया जाता है। प्रत्येक कोकून एक रेशम के तागे से बना होता है। युक्ति है कि तागे का एक सिरा पकड़ लिया जाए। इसके बाद कोकून से रेशम का तागा छुड़ाना आसान हो जाता है। कोकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। इन रेशम के तागों का प्रयोग रेशम के वस्त्र बनाने में किया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। रेशम की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई थी। रेशम मजबूत और मुलायम होता है। रेशम कीट रेशम के कीड़े का लार्वा होता है। रेशम फाइबर रेशम कीट द्वारा काता गया कोकून होता है।